ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। और आज मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी अभी डारला घाट से हमीरपुर पहुँची हूँ। मतलब हमें हॉलीडेज थी तो मैं डारला घाट गई थी मम्मी के पास। तो अभी कुछ देर पहले मैं हमीरपुर अपने रूम पहुँची हूँ, और रूम पहुँच के मैंने देखा कि हमारे रूम के बाहर जो रास्ता है उसमें बहुत सारी घास है, दिखाती हूँ आपको। तो मैं सोच उस घास को हमें काटना चाहिए क्योंकि इस घास की वजह से ना यार हमारे रूम में चींटी आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, सांप भी आ सकता है। मैं दिखाती हूँ मेरी बहन क्या कर रही है अंदर। तो आप ये देख सकते हो मेरी बहन क्या कर लगा रही करी है यहाँ पे। इसने चींटी ना आए रूम के अंदर, इसलिए इसने आप चौक लगा दिया है पूरे रास्तों में। क्या कर रहे हो शबनम आप? आप देख सकते हो उसने पूरे रास्ते बंद कर दिए ताकि चींटियां हमारे रूम के अंदर ना पहुंचे। चल मत कर यार, तू पोछा लगाएगी यहाँ पे, इन जाता झाड़ू से मत कर। आप देख सकते हो उसने सारे रास्ते बंद कर दिए, अब चींटियां क्या, चींटियों के पापा भी नहीं आ सकते अंदर घर के हमारे। अब आपको बाहर का दिखाती हूँ, है ना, बाहर का हाल कैसा है। तो ये देखो कितना घास ही घास हो चुका है हमारे रूम से बाहर यार। तो मैं सोच रही हूँ अभी मौसम अच्छा है, वैसे सुबह बारिश लगी थी और अभी बारिश रुक चुकी है, तो हम इस घास को काट लेते हैं। और बहन से पूछती हूँ मेरी हेल्प करेगी क्योंकि नहीं करेगी। शबनम आप मेरी हेल्प करोगे यार? मैं अकेले कैसे करूँगी यार। शबनम प्लीज़ यार, इसे कुंडी लगा दी, खोल। शबनम प्लीज़ यार करवा देना हेल्प, आ जाए यार मेरी बहन। चलो दराटी ले आते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी बहन को कन्वेंस कर दिया है कि मेरे साथ हेल्प करवा दे इस घास की कटिंग करने के लिए। कितने सुंदर फ्लावर्स लगे हमारे रूम के बाहर, दिखाती हूँ मैं आपको। इन फ्लावर्स के बीच में एक घास अच्छा नहीं लग रहा है, देख रहे हो आप कितना घास ही घास है इसके आसपास। इसकी पूरी सफाई करनी है मैंने अभी, क्योंकि अभी रूम के बाहर ना ये घास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे इसमें हम घास के वो चल रहे तो यहाँ पर सांप सूंप कुछ भी हो सकता है नीचे घास के नीचे। तो अभी हम थक के अभी पहुँचे थे, अभी मैं सिर्फ मुंह भी धोया हुआ है, सिर्फ कपड़े चेंज करे और फिर को मन किया कि मैं सफाई कर देती हूँ, है ना शबनम। तो आज फिर से मैं मेरी बहन एक नया काम करने जा रहे हैं, मैं इसको स्टैंप दे दी है। वाह, ये प्रूफ है गाइस कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज करे, मुंह तक नहीं धोया हुआ है। मेकअप किया इसने? तो वो यार अभी घर से आए हुए हम डारला घाट से, मेकअप क्या किया, कुछ भी मेकअप नहीं किया है। हाँ ये सरका घाट से आई हूँ, मैं डारला घाट से आई हूँ क्योंकि मैं हॉलीडे स्पेस पर मम्मी के पास गई थी और रामपुर गई थी पापा के पास, और ये घर गई थी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं दराटी लेने, दराटी मतलब सिक्कल लेने। सिक्कल क्या होता है शिमला, जो ऐसी सी शेप की होती है। हमने पढ़ा उसमें, पढ़ा था आपने क्या होता है सिक्कल सेल एनीमिया, वो सिक्कल सेल एनीमिया का पॉइंट तो बोला मैंने, व्हिच इज कॉल्ड रेवेंट टू आरबीसीस, अपनी शेप को सिक्कल बना देते हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अभी हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो ये हम पहुंचने ही वाले हैं। हेलो, मारती शबनम, ये शबनम मारती तो नहीं? ओ भाई ये देख रही है, तो ये यहाँ पे फ्रेंड के घर पहुंच चुके हैं। आती है काम शुरू कर दिया है। हम किस काम के लिए आए थे शबनम यहाँ पे? तो तू क्या कर रही है? दराटी चाहिए थी हमारे को यार, तो मैं दराटी ले आई हूँ गाइस। अब मैं जा रही हूँ घास की कटिंग करने। आपको पता है मेरी नानी के घर में भी ना ऐसी भैंस होती है, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम ना मतलब जब भैंस का दूध निकाला था तो मुझे आता नहीं था निकालना, मेरे से निकला ही नहीं वो। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब रहने दो, किसी और दिन समझाऊंगी मैं मतलब का मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? हिमाचल में आप देख सकते हो हम यहाँ पे गाय भैंस सब कुछ पालते हैं, देख सकते हो आप कितने प्यार से देख रही है मुझे। मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ, उसका घास खाने में इसको दिक्कत आ रही है। कैसे ओह, मुझे मारने के लिए आ रही है ये, मैं इसको परेशान कर रही हूँ क्योंकि एक और लिया। आज ने एक न्यूज़ देखी है, बड़ी बहन किया छोटी बहन का खून, क्या कर दिया जाए, कर दिया जाए शबनम कत्ल। तो दोस्तों
तो मैं दराटी लेके आ गई हूँ। अब मुझे लोग बोल रहे कि तू पागल हो चुकी है, इस बारिश के मौसम में घास कौन काटता है। पर मैं काटती हूँ शिवानी, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ। मुझे सफाई करना बहुत पसंद है। और तुझे हंसी क्यों आ रही है? मुझे नहीं आ रही है, मेरे को हंसी आती रहती है मेरे ऊपर। क्या कर सकते हैं, खुद से कुछ करना नहीं है। दूसरा कुछ कर रहा हो तो इससे बकवास करनी है हमेशा ही। अपना कैमरा अपनी बहन को हैंड ओवर कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ से घास काटना शुरू करूंगी। बस मजे वाला काम है ना। दोस्त मुझे घास काटना है यार, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देख लो कितना साफ कर दिया मैंने। हाँ हाँ, मैं भैंस को दूंगी इस घास को। मेरा कुछ नहीं है, मैं अच्छा यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसकी। सारा घास को काट रही। द लेडी किलर शिवानी पबजी प्लेयर। देखो इसने सारा सत्यानाश कर दिया यहाँ पे। कुछ नहीं, को एटलीस्ट कोशिश तो कर रही हूँ मैं। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। हाँ वो बात भी है। रास्ता साफ हो जाएगा। हमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी हम कॉलेज के जाते थे, उसके बाद देखो कितना घास घास। यहाँ के शाम को आ सकते कमरे के अंदर। चींटियाँ वगैरह आती थी रूम में और इंसेक्ट्स भी आ सकते थे। बस मेरे हाथ में कट जाएगी। मैं बैठ जाऊँगी आराम से सीढ़ियों पर और इसको काम करते हुए देखूँगी मैं। तू है मेरे जीने। हाँ तेरे को बैठेंगे इधर। सो मैनी मच्छर सो यहाँ से उधर को नाच रहे। तेरा दिल मेरा दिल। बस अब मुझे लगता है कि थक चुकी है, हो गया इसका शौक पूरा। इसको डांटी चलाना आ नहीं रही है, मेज लगी हुई है, हाथों से निकाल रही है। इसको देख के मेरी इच्छा भी हो रही है कि क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूँ। ट्राई करूँ पर मेरे को तो आता है पहले से घास घूस काटना, मैं तो 2 मिनट में इसको कर देती। चलो पर इसको है शौक तो। देख एक भैंस को देना खाने के लिए, याद नहीं तो खुद ही खा लियो। हाँ 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 रख दे रख दे, कोई बात नहीं। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम कैरी बनाएंगे और सब्जियाँ वगैरह लगाया करेंगे, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं सोचूंगी कि मैं यहाँ पे कैरी बनाएंगी हम एक। और देखो आपने फ्लावर्स तो हम लगाए हैं रोज़, इधर भी लगाया था पर ये शायद हो गया सूख गया ये वाला। पिछली बार मेरी मम्मी आए थे तो मम्मी ने सारा घास अकेले खुद काटा था, बट अब बरसात में फिर से हो जाता है घास जितना मर्जी काटो। अभी हमारी वीडियो देख रहा है वो अपने पशुओं को ला सकता है इधर चराने के लिए। मैंने कि जो YouTube वीडियो देख रहा है हमारी वो अपने गाय भैंसों को ला के इधर घास चरा सकता है। हरा हरा घास देखो, ताज़ा ताज़ा। हाँ खरीद भी सकता है 50 रुपये में सारा घास उनका। देखो वहाँ से लेकर यहाँ तक की ज़मीन उनको। हाँ बहुत ज़्यादा फ्री में ले जाना, जिसने ले जाना होगा काट के बस। हाँ फ्री में देंगे घास। चलो ब्लॉग के चक्कर में काम तो करिए एटलीस्ट। आंटी जी इनका नहीं कुछ यार, इनके ऊपर कौन चलता है। वो देखो गाइस वहां से कुछ जा रहा है, जा रहा है बाइक जा रही है। ओ माय गॉड फैमिली। क्या बोला तूने? कुछ बोलना चाहोगे श्वानी? तुझे इजी लग रहा होगा पर अब तेरे को पता लग रहा है कि कितना टफ होता है। She's
फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और मेरे को भी यहाँ पे बैठे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे मच्छर खा रहे हैं, मच्छरों ने मेरा पहले कम खून है मेरे को, पहले मेरे को खून की कमी हो रही है, मच्छरों ने मेरा खून और पी लिया। सब्जी तो गाइस जैसे कि आप बताइए कि शिवानी आज शिवानी के अंदर माता आई है कि मैंने सारा घास अकेले काटना है, तो तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शिवन पठानी है और बस बाय। A few moments later. Guys, मैंने अभी आधा रास्ता साफ कर दिया, आधा रास्ता शमन साफ करेगी, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अब धूप आ चुकी है, अब गर्मी भी लग रही है, पहले बारिश का मौसम था और अभी मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है। वो वाला एरिया साफ कर दिया है, ये वाला एरिया शमन साफ करेगी। मच्छर ही मच्छर है यार यहाँ पे, मॉस्किटो। शबनम तब तक मैं हाथ से जो हाथ से घास निकल जाएगा उनको निकाल लेती हूँ। जैसे गुलाब के आसपास कितना सारा घास है। दोस्तों पसीना देख सकते हो आप, काम करने के बाद कितनी खुशी होती है ना यार, कि कितनी सफाई होगी रूम के बाहर। क्योंकि जैसे वो दाड़ला घाट से आई थी ना अभी आज, तो मुझे मतलब ये देख कैसा लगा कि यार कितना गंदा रास्ता है यहाँ से, हमने सुबह कॉलेज भी कह जाएंगे हम। तो अभी मुझे लगा कि मौसम भी साफ़ हो ही रहा है तो हम सफाई कर ही देते हैं आज, फिर मैं नहा धो के फ्रेश भी हो जाऊँगी, वैसे भी थक गई हूँ सफ़र करके। मैंने बस की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार बस चीज़ क्या दिखानी है आपको, बस में ट्रैवल रोज़ ही करते हैं। अच्छा काम करी मेरी बहन, बिल्कुल मन लगा के। शबनम इसे सोच ही लिया आज की पूरा घास साफ कर रही है। बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। क्या किया मैंने? तूने सिर्फ ऊपर ऊपर से पसार के मारे, मतलब तू अपने काम की बहुत तारीफ करी, तेरा ये मतलब है? अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, तू ऐसे ही बोल रही है। तो देख वहाँ पे तूने कैसे साफ किया। गाइस मैंने कैसे काम किया बताना, और ये कैसा काम करी है कमेंट करना। मैंने भी अच्छा साफ किया यार, देख सकते हो आप कितना सारा घास काट के रखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये सारा मैंने काटा है ये, और इसने सिर्फ इतना सा काम किया अभी। करो करो भाई, अच्छा आप अच्छा काम करते हो। देखो हमने रास्ता जाने के लिए साफ कर दिया। तो गाइस आप देख सकते हो हमने कितना सारा घास काटा है आज, और ये रास्ता कितना साफ लग रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब बहुत खुशी मिलती जब आप कुछ अच्छा काम करते हो। अब हम जाएंगे पार्टी वापस करने के लिए। ठीक सफाई की? ठीक है। कहाँ है आपके घर? पास। अच्छा अच्छा चलो फिर आ जाओ, अभी नहाना पड़ेगा मेरे को यार, पूरे सारे खराब हो गए कपड़े भी हाथ भी। ये हम दराटी वापस करने आए, आप तो बकरी भी है, वो भैंस कहाँ गायब होगी? बकरी नमस्ते अंकल जी। बस जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो जानते हैं इस बस को, उनका इस बस में आना जाना है। ये बस हमारे रूम के बिल्कुल सामने लगती है, जो अंकल है उनका घर हमारे रूम के साथ ही है। हाँ मतलब उनका घर हमारे रूम के साथ ही है। कैसी फीलिंग आ रही तो आपको घास काटने के बाद? कैसी अच्छी ना, हार्ड वर्किंग, थके हुए, टायर्ड, स्लीपी, इरिटेटिंग एक्सेट्रा। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करने का सोच रही हूँ, तो अब हम चले अंदर। आप देख सकते हो कैसे हाल प्यार हो चुके मेरे मजदूरों वाले, उन चप्पलों को तो मैं हाथ में उठा के ले जाऊँगी।
पैरों का हाल देख रहे हो आप क्या हो चुका है। ये मेहनत करने के बाद ये हालत है। अब मैं इनको धोती हूँ और मैं रूम के अंदर पहुँच चुकी हूँ। ऋषभ ने यहाँ पे हाथ धो धो रही है अपने, मैं भी पैर धो लेती हूँ यार। Oh,